हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल ग्रीटिंग्स ट्री यू सो आई वेलकम यू इन द अनदर एपिसोड ऑफ हैश टैग फन फैक्ट सैटरडे ओके सो फर्स्ट फैक्ट हमारे पास है देर आर थ्री हार्ट्स नाइन ब्रेन्स एंड ब्लू ब्लड इन एन ऑक्टोबस तो ऑक्टोबस की बॉडी बहुत ही डिफरेंट है हमारे हार्ट हमारे पास वन हार्ट है वन ब्रेन है और हमारा ब्लड कैसा है रेड है एंड दे आर अपोजिटली डिफरेंट उनके पास कितने थ्री हार्ट्स हैं थ्री हार्ट क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो उनके पास जो दो हार्ट हैं वो क्या करते हैं ब्लड को लेके आते हैं गिल्स के पास गिल में आपको पता क्या होता है ब्लड क्या होता है ऑक्सीजनेट होता है ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है जैसे हमारे लंग्स में मिलती है एंड देन वो ब्लड जाता है जो ऑक्सीजनेटेड हो गया वो जाता है मेन हार्ट के पास एंड देन मेन हार्ट उसको प्रॉपर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ओके सो दैट्स वाई ऑक्टोबस के पास थ्री हार्ट्स होते हैं ओके नाउ नेक्स्ट हम हमने हमने क्या देखा नाइन ब्रेन हमारे पास तो एक ही ब्रेन है ओके okay, हमारे हेड जितने साइज का एक ही ब्रेन है बट इनके पास कितने ब्रेन है नाइन ब्रेन है तो एक तो मेन ब्रेन है जो ठीक है और बाकी छोटे छोटे मिनी ब्रेन्स हैं जो इनकी आर्म्स में हैं जो इनकी एट आर्म्स हैं उसमें छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं गुच्छे हैं मिनी ब्रेन्स के वो क्या हेल्प करते हैं हर एक आर्म्स को हर एक आर्म को इंडिपेंडेंट फंक्शन करने में हर एक आम के पास अपना खुद का ब्रेन होता है और एक सेंट्रल ब्रेन होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है पूरी बॉडी का टेम्परेचर पूरी बॉडी की मूवमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है ओके सो इसलिए कितने ब्रेन हो गए टोटल ऑक्टोपस के पास नाइन ब्रेन्स हो गए ओके okay? और इनका ब्लड जो होता है वो ब्लू होता है ब्लू क्यों होता है क्योंकि ये बहुत ठंडे आपको पता है कि ओशन के बहुत नीचे आपको डेप्थ में मिलेंगे तो ओशन में जब डेप्थ में मिलेंगे आपको पता है वहां पर प्रेशर लो है और वहां पर धूप नहीं आ रही तो वहां पर क्या होगा बहुत ज्यादा ठंड होगी तो कोल्ड में रहने के लिए और कम ऑक्सीजन में रहने के लिए क्योंकि लो प्रेशर में आपको पता है कम ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो कम ऑक्सीजन में और लो प्रेशर में और कोल्ड में रहने के लिए इनकी बॉडी में क्या अडेप्टशन होगी इनका ब्लड रेड से किस में कन्वर्ट हो गया ब्लू में ब्लू ब्लू का मतलब क्या है हेम साइनिन हेम साइनिन का मतलब होता है कॉपर इनके ब्लड में कॉपर का कंटेंट ज्यादा है क्योंकि कॉपर ब्लू कलर का होता है ओके और बाकी फर्दर डिटेल में आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर एक डेडिकेटेड ऑक्टोपस पे वीडियो बनाऊंगी देन मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी इसके सारी एनाटॉमी ओके नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास है लार्जेस्ट ऑक्टोबर्स जो वर्ल्ड का अब तक का जो हमें मिला है लार्जेस्ट ऑक्टोबर्स आप सोच सकते हो इतना इतना लार्जेस्ट हमें मिला है पर इससे भी और लार्ज हो सकते हैं अभी हमें मिले नहीं हैं तो लार्जेस्ट ऑक्टोबर्स जो अभी तक हम साइंटिस्ट ने फाइन किया है वो क्या है उसका नाम क्या रखा है जाइंट पेसिफिक ऑक्टोबर्स क्योंकि वो बहुत जाइंट है और कहाँ मिला पैसेफिक में मिला ओके okay? उसकी जो अप्रॉक्सीमेटली जो हाइट थी वो कितनी थी लेंथ थी वन मीटर ओके एंड उसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना था थ्री हंड्रेड ओके okay? सो so, ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट पैक लेबनाइट्स लेबनाइट्स जो है वो एक क्रेटर है कहां पर है मून पर है ओके okay? मून पे कहां पर है सदर्न हेमिसफेयर में है आपको मेरे साइड में पिक्चर दिख रही है आप देखो वो रफली आपको सर्कुलर uh, दिख रहा है ओके okay? ये क्रेटर एंड इसका डायमीटर कितना है 245 किलोमीटर तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मीटराइड आके मून से टकराया होगा कि उतना बड़ा क्रेटर क्रिएट हो गया मतलब कितना बड़ा मीटरॉइड होगा राइट right? सो so, ये हो गया ये क्रेटर है आपको ध्यान रखना है माउंटेन नहीं है कंफ्यूज नहीं होना मोस्ट डेंजरस एंट वर्ल्ड की जो सबसे डेंजरस एंट है उसे हम क्या बोलते हैं बुलडॉग एंट या फिर हम उसको और क्या बोलते हैं जैक जंपर क्योंकि वो बहुत जंप करती है और ये कहाँ मिलती है ऑस्ट्रेलिया में मिलती है और इसका जो जो स्टिंग होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और ऑस्ट्रेलिया में अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर थ्री लोग तो इससे मरते ही मरते हैं ठीक है एंड uh, जो ये बुलडॉग एंट है ये बहुत ज्यादा फिरसिटी वाली होती है मतलब स्कैवेंजर होती है इनके रास्ते में जो भी आता है उनको मारती हुई चली जाती हैं और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है ओके okay? सो so, आपको साइड में मेरी पिक्चर दिख रही है ये ऐसे ही दिखती है बुलडॉग एंड आप इसके आगे से स्ट्रिंग देखो आप चाहोगे ये आपको काटे कितनी ज्यादा कितने बड़े बड़े आगे से स्ट्रिंग ही कितने बड़े बड़े हैं राइट सो ये हो गया नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव पॉइजन वर्ल्ड का Earth का जो सबसे एक्सपेंसिव पॉइजनस है मतलब सबसे महंगा वेनम जो है वो कौन सा है स्कॉर्पियन का ओके okay? वो कितना कॉस्टली आप देख सकते हो पर ग्राम सिर्फ वन ग्राम आपको कितने का मिलेगा सेवन थाउजेंड टू एट थाउजेंड डॉलर का मतलब इंडियन रुपीज में वो हो गया फाइव लाख से भी ज्यादा पर ग्राम फाइव लाख से भी ज्यादा तो कितना ज्यादा कॉस्टली है सो नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं इन द किंग कॉन्ग मूवी जो किंग कॉन्ग मूवी है 2005 वाली हमारी फेवरेट मूवी जो हम बहुत देखते हैं सब लोग उसमें जो किंग कॉन्ग की रोअर है वो किसकी रोअर है बेसिकली लाइन की ओके okay? लाइन की रोअर है एंड लाइन की रोअर को हमने क्या करा रिकॉर्ड किया एंड उसको बैकवर्ड प्ले किया बैकवर्ड प्ले करके उसकी स्पीड हाफ कर दी तो उससे क्या हो गया जो वो 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 किसकी साउंड लग रही है किंग कॉन्ग की साउंड लग रही है तो आप देख सकते हो सिर्फ बैकवर्ड उसको uh, uh, वो करने से चलाने से और उसकी स्पीड हाफ करने से उसकी जो इंटेंसिटी है या उसकी जो पहचानने का जो वो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया हमें पहचान में नहीं आ रहा कि वो लॉयन की वॉइस है ओके okay? सो so, ये बहुत इंटरेस्टिंग था नेक्स्ट देखते हैं जो जिसने जिस आ, जिस एक्टर ने किंग का रोल प्ले किया है एंडी सर्किस ने जो एक्टर्स एक्टर हैं है, उनके फेस के ऊपर 16 सेंसर्स लगाए थे फेस के ऊपर 16 सेंसर्स लगाए थे आप साइड में पिक्चर देखो लगी हुई है मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है 16 सेंसर्स लगाए थे और उससे उनके फेस का एक से छोटे से छोटा जो एक्सप्रेशन था उसको रिकॉर्ड किया था ताकि जब किंग कॉन्ग बनाया जाए किंगकाग का एकदम एक्सप्रेशन रियल आए ओके सो so, ये हो गए हमारे सारे फन फैक्ट्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग